की सरकार ने जो पिछले 5 वर्ष में शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है, हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और दूसरी ओर कांग्रेस ने कैसे हिमाचल प्रदेश का विकास रुकवाया उसका भी हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अगर आप डबल इंजन की सरकार पहली देखेंगे तो अटल जी और धूमल जी की सरकार थी, जिसने औद्योगिक पैकेज दिया, पनबिजली परियोजनाएं लाए, गांव-गांव तक सड़कें बनाई, अटल टनल दी, हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया। लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश में सरकारें आई तो विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया, टनल का काम बंद हो गया और यही नहीं, औद्योगिक पैकेज को भी 10 साल से कम करके 4 साल कर दिया। हिमाचल के विकास पर कांग्रेस के समय जो सदा ग्रहणी लगा उसको रुकवाने का काम ही हुआ। और उस समय कांग्रेस ने वायदा किया था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, फिर भाजपा सत्ता में आई, फिर विकासात्मक कार्य हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट मंजूर हुए। लेकिन 2012 में कांग्रेस ने फिर एक बार वायदा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल लोग इंतजार करते रहे लेकिन किसी को मिला नहीं। तो झूठ बोलकर गुमराह करना, वोट लेना, ये कांग्रेस की आदत बन गई थी, झूठ पर और झूठ की राजनीति करना। और जब वो सत्ता में आए तब हिमाचल के विकास को रुकवाना। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोजेक्ट दिए उनको कांग्रेस ने उस समय रुकवाने का ही काम किया। 2014 में एम्स अस्पताल मंजूर हुआ, मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट, 4 साल बाद जमीन मिली। 2012 में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर हुआ, 11-12 में 7 साल इनको हस्ताक्षर करने में लग गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में मंजूर हुई, कई वर्षों तक उसकी जमीन और बाकी पैसा भी नहीं भरे। इसी तरह से ही बाकी प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज ले लो, इसमें भी 3 साल जमीन देने में लगा दिए। कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के विकास के हित में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो चहुमुखी विकास किया है, चाहे गांव-गांव सड़कें बनाने से लेकर पनबिजली परियोजनाओं से लेकर, आज 1470 करोड़ रुपये का एम्स इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज, सबसे आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला हमने बिलासपुर में बनाया, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी 4 साल में पूरा करके दिखाया है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार हो गया, IIIT ऊना में बनाकर दे दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू करा दिया, IIM सिरमौर बना दिया, IIT मंडी बना दिया, ESI का अस्पताल 1000 करोड़ का बनाकर दे दिया और दौलतपुर चौक तक भी ट्रेन ऊना से पहुंचा दी। ना केवल ट्रेन पहुंचाई, मोदी जी की सरकार में चाहे महाराष्ट्र के लिए हो, गुजरात के लिए हो, कलकत्ता के लिए हो, राजस्थान के लिए हो, या दिल्ली और सहारनपुर के लिए हो, ट्रेनें भी चलाई और देश की सबसे आधुनिक तेज रफ्तार से चलने वाली आरामदायक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा ऊना से दिल्ली के लिए दिया है। भाजपा का दूसरा नाम अगर कहा जाए, विकास जहां पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी और के साथ देखा जाता है। सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकारें चलाई। प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने जहां केंद्र की उज्ज्वला योजना आई, यहां पे मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाकर हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा दिया। केंद्र ने अगर आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज दिया तो बाकी परिवारों को हिमकेयर में जयराम जी की सरकार ने किया। यही नहीं, अगर केंद्र से पेंशन दी गई तो यहाँ पर भी 60 साल से उम्र वालों को, भाई और बहनों को पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया, जयराम जी की सरकार ने किया। 80 साल से कम कमर करके उम्र 70 साल कर दी और यही नहीं, पेंशन को बढ़ाने का काम भी किया। बिजली और पानी ये मुफ्त कर दिए, 125 यूनिट तक बिजली और पानी गाँव में मुफ्त कर दी। मैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपको गिना सकता हूं जो हमने की। यह डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? 3,22,00,000 लोगों को पक्के मकान देश भर में बनाकर दिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दे दिया।
चार चार एलईडी के बल्ब दे दिए, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, शौचालय बनाकर दे दिया, बैंक का खाता खुलवा दिया, 5-5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, डबल वैक्सीन मुफ्त में लगाई, और यही नहीं आयुष्मान भारत और हिमकेयर में 5-5 लाख का इलाज भी दिया। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने और जयराम जी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं तो कहता हूं, जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि हिमाचल में तो विकास की रफ्तार है, मैं तो यही कहूंगा मित्रों, विकास की रफ्तार है फिर भाजपा सरकार है। और मैंने तो इतने कार्यक्रम किए, लगभग रोज 18 से 20 कार्यक्रम करता हूं, जनता के बीच में एक बड़ा उत्साह है वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का, क्योंकि लोग भी अब कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, भाजपा संघ पहाड़ी। और ये जन जन की जुबान पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में जनता मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखकर और हमारी प्रदेश सरकार के शानदार काम को देखकर फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। और अगर इसमें आप देखें तो हमारे फौजी भाइयों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, सेना को आधुनिक हथियार और सशक्त करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया, 27,000 विद्यार्थियों को ऑपरेशन गंगा में विदेश से वापस लाने का, यूक्रेन से वापस लाने का युद्ध के समय भी मोदी जी की सरकार ने किया, हमारे सिख भाइयों को अफगानिस्तान से, हिंदू परिवारों को गुरु ग्रंथ साहब और बीड़ को निकाल कर लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया, करतारपुर कॉरिडोर हो उसको खुलवाने का काम, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने का काम, और तो और हमारे 550वां प्रकाशोत्सव हो गुरु नानक देव जी का या 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो वो भी भव्य रूप से मनाने का काम किया है। और साथ ही साथ वीर दिवस भी साहबजादों के शहादत पर उसको भी मनाने का काम किया। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ डबल इंजन की सरकार ने काम किया है देश में भी और प्रदेश में भी। जी, ये जो बागी खड़े हैं और बहुत सारी सीटों पे, उसको लेके